We have number of distinguished speakers today. Topic is right in front of you. Violence-free India 2024. यहाँ पे कैन यू हियर मी एम आई क्लियर टू एवरीबडी एको इज देयर अभिषेक जी साउंड थोड़ा सा ठीक करने के लिए बता रहे हैं प्लीज मैंने आपको एक बार बताया था प्लीज काइंडली डू दैट जब आज का प्रोग्राम के बारे में कल पुलिस को पता चला कल शाम से 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक इतना कॉल आते रहे कि ये क्या होने वाला है हम लोग यहाँ पे वायलेंस ना करने के बारे में बात कर रहे हैं मैंने बोला फिर भी 4 कॉल कम से कम आज सवेरे भी आया है हमारे देश में आज किस तरह से वायलेंस फिजिकल वायलेंस वर्बल वायलेंस सब जो हो रहे हैं इसके बारे में चर्चा करने से ज्यादा जो हम सब जानते हैं क्या हो रहा है आज का डेट में जो मणिपुर में हुए जो न्यू में हुए उससे पहले दिल्ली में हुए उससे भी पहले अलग अलग देशों में लिंचिंग के तौर पे ये सारे क्यों हो रहा है इसके बारे में आगे स्पीकर्स बताएंगे मेरा ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करते वक्त 3 पॉइंट मैं सामने रखना चाहूंगा उससे पहले जो बात है हम अपना देश भारत हम पूरा दुनिया में इसलिए जाने हैं कि यहाँ पे नॉन वायलेंस का जो अहिंसा का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारे देश के लोगों ने हमारे देश के नेताओं ने गांधी जी से पहले भी हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने अहिंसा का कितना हमारे देश में लोगों के सोच में लाया था उस देश भारत दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और आज हम उसी का ही शिकार बन रहे हैं तो मेरा पहले पॉइंट आज का है कि इसको हमें रोकना है ये रोकने के लिए एक ही जरिया है जो इसका जमीन रेस्पॉन्सिबल है जो हिंसा को सौदा करते हो अपने पावर के लिए अपने हुकूमत के लिए उनको हमें हराना है जो भी है हम डेमोक्रेसी में हार और जीत मॉरल वैल्यूज को होता है वो लोगों का सोच से होता है वो बैलेट से होता है वो हमें हासिल करना है अगले 1 साल में ये पहले पॉइंट में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ स्पीकर्स इसके बारे में आगे बताएंगे हम लोगों को दूसरा बात बैलेट सिर्फ बैलेट के दिन सोच के नहीं करते उससे पहले लोगों का सोच उस पर जुड़ा हुआ है ये अगर संभव होने के लिए हमें देश का सारे नागरिक को
सारे अच्छे सोच विचार के लोगों को एक साथ लाना होगा। और हम समझते हैं इंडिया टीम का जो खड़न हुआ है ये एक सही दिशा में कदम है। हम जो भी लीडर्स इसके पीछे उनका शुक्रगुजार है, मगर कहीं ना कहीं कुछ और सुधार का, कुछ और इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। पुराना कहावत है, किसी को दोषी ठहराकर दोस्त नहीं बना सकता है। अगर आपको किसी को साथ लेना हो, उसके 15 दोष एक बाय एक बोलने से कभी वो दोस्त नहीं बन सकता। मगर कभी कभी ऐसा होता है, पर्सनल रिश्ते से ज्यादा, आइडियोलॉजी से ज्यादा कुछ और चीज पॉलिटिकल फील्ड में खेलता है। इस विषय में हमारा ये कहना है, जो डिप्रेस्ड क्लास का लीडर्स है, सफरिंग पीपल्स को जो देश का SC ST कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज माना जाता है, उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला लीडर्स को, जब तक उन कम्युनिटीज को साथ नहीं लेंगे तो ये इंडिया टीम अधूरा रह जाता है। इस इंडिया टीम को पूरा करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये तब हो सकता है जब हम ये बात समझ लें कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास जो पहले जमाने में कहते थे वो कौन है। डिप्रेस्ड क्लास वो है इस देश का सारे इमारतें खड़ा करते हैं, मेहनत करने वाला लोग है इस देश का, वो है इस देश का 140 करोड़ को खाना के लिए अनाज पैदा करते हैं, वही लोग है इस देश का गलियों साफ कर रखते हैं। इतना ही नहीं, हमने पिछले 7-8 साल से देख रहा है, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे लोग उंगली उठा रहे थे उसको कुछ कहीं ना कहीं से बदलना या हटाना कुछ कोशिशों में, सबसे पहले हिम्मत उन्होंने किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए। क्या हम इस जनता को छोड़ के हमारा इंडिया टीम पूरा कर सकता है? हमें यही सुझाव सजेस्ट करना है कि उनको दूर रखें, आप अपना टीम पूरा नहीं कर सकता है। और जब भी आप लोग एक एक एलिगेशंस या कारण बताता है, हम इसमें खुशी है इंडिया टीम में ऐसा भी लीडर्स है जैसे लालू जी है, उनको, उनके पार्टी को, उनके घर को इतना अटैक करने के बावजूद अपने आइडियोलॉजी पे कायम है, चट्टान की तरफ खड़े हैं, ऐसा नेता है इंडिया टीम में। मगर ऐसा भी लोग है जो बेंगलोर में सेक्युलर होते हैं तो मध्य प्रदेश आते आते हिंदूवाद के वकालत करने लगते हैं। आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आइडियोलॉजी पे कहीं भी हो उस पे स्ट्रॉन्ग रुकने का हिम्मत रखना चाहिए। कुछ लोगों के खिलाफ बोलते हैं ये बहुत करप्ट है, करप्शन के बारे में बताएगा तो हमारा देश में कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है ये मैं जाऊंगा नहीं, मगर हमने देखा करप्शन में भी खिलाफ जो नारे लगा के सत्ता में आए थे
वो लोग आज दारू में करप्शन मिलने का सिचुएशन तक आए हुए हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि किसी को दोषी ठहरा के अलग खड़ा करके हम इस लड़ाई जो देश से वायलेंस निकालने का, जो इंसानियत वापस लाने का काम पूरा नहीं कर सकता है। हम ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लास्ट पॉइंट बता के अपना स्पीकर्स को बुलाएंगे। तीसरा और लास्ट आखिरी पॉइंट ये है, जब कोई इलेक्शन जीतना हो, वो इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ जो ओपोजिशन पार्टी का दोष गिना के, जो सत्ता वाला पार्टी का दोष गिना के आप जीत नहीं सकता। आप दिल्ली में सत्ता पाने के लिए देश का जनता का दिल जीतना पड़ेगा। अपना एक एजेंडा होना चाहिए, कम से कम जो 1990 से जो लिबरलाइजेशन शुरू हुए थे, उस वक्त जो वर्किंग क्लास जो था, वर्कर्स का जो राइट थे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम ऑलमोस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्लीटली ना के बराबर होते थे, मगर 90 से आज अगर आप देखें तो लाखों पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर में बदल गया हुआ है। मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कन्वर्ट करने से जो कॉन्स्टिट्यूशन ने देने वाला रिजर्वेशन बेनिफिट एक साइड में जा रहे हैं, दूसरा जो हर एक फैमिली को जो मिलता है, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में 30,000 के करीब तनख्वाह होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आते 15,000 हो जाता है। एक फैमिली जब तक अपना गुजारा नहीं कर सकता है अपने वेतन से, ऊंच नीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतना बढ़ जाता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो गलत सोचने वाला उनको घुमाने के लिए बहुत नौजवान मिल जाता है जिसके पास सही काम नहीं होते, सही दिशा नहीं होते। तो मैं इतना कह के पूरा कर रहा हूँ। अगर आगे हम लोग अपना स्पीकर्स को सुनेंगे आज का पूरा सभा में। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।